सो so अभी सबसे पहले क्या करना है वी हैव गिवन यू अ लिस्ट आफ क्वेश्चन क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने इकट्ठा किया है और जो कि वेबसाइट पर अपलोडेड भी है एंड लेट मी टेक यू देयर सो लेट मी टेक यू टू दैट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड इफ यू विल गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटर्स ठीक है और अगर आप उस पर जाओगे एंड ऑन द

एक लार्जर अराउंड दस पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है ठीक है सो दिस लार्जर टेन पेजर डॉक्यूमेंट विल कैप्चर एवरीथिंग अबाउट यूर सेल्फ ठीक है सो मोस्ट ऑफ इट विल कैप्चर पर्सनैलिटी अराउंड यूर प्रोफाइल यूर एजुकेशनल बैकग्राउंड यूर वर्क एक्स एंड एवरीथिंग सो जो भी आपके पर्सनल वाले सवाल होते हैं सो दिस डॉक्यूमेंट विल नॉट कवर दोज क्वेश्चन लाइक वट इज हैपनिंग इन मे बी करंट अफेयर्स एंड ऑल थिंग्स सो अराउंड यूअर लाइफ ठीक है आपने कहाँ से आपने पढ़ाई किया उसका क्या बैकग्राउंड है कहाँ शहरों में रहे हो अभी क्या करते हो uh, क्या एक्टिविटीज हैं होबीज कोकुलर एक्स्ट्रा कोक्रिकुलर एक्टिविटीज या जहां भी काम करते हो वो क्या काम करते हो वट इज दैट रोल उसके अलावा आप जो भी आप टारगेट कर रहे हो वेदर इट इज ए एल सी एल ई ओ या ई पी एफ ओ ए पी एफ सी ईओ गेट ऑर्गेनाइजेशन सो इन दैट टारगेट ऑर्गेनाइजेशन वैट ऑर्गे मैप ऑफ दैट ऑर्गे का क्या प्लान है पूरे कंट्री में एमओ एलिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आज के दिन क्या कर रहा है पूरे कंट्री के लेबर रिफॉर्म्स कहां जा रहे हैं और ऑल दोज थिंग्स एंड हाउ यू आर फिटिंग इन टू दैट जॉब सो दिस इज अ ब्रॉड लिस्ट ऑफ सिक्सटीन क्वेश्चन ठीक है तो अगर आप इन सोलह क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे आपको कम से कम एक वीक लगेगा ठीक है यू विल टेक अराउंड वन वीक टू गो थ्रू ऑल थिंग्स और एक वीक के बाद यू विल क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ अराउंड मे बी दस पंद्रह का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट बनना चाहिए जो कि आपको खुद से अपना करना है ठीक है so uh, उसके बाद आप हमें इसको भेजोगे उसके बाद एक बार हमारी टीम इसको रिव्यू करेगी और फिर हम हर एक आदमी के साथ वन टू वन ऑनलाइन सेशन करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार रिव्यू करेंगे आपने जो उसमें कंटेंट लिखा है उसमें क्या बातें आपने लिखी हैं उसमें क्या बेटर कर सकते हैं क्या छोड़ दिया क्या है सो विल स्पेंड अराउंड वन आवर विद ऑफ यू इन ऑनलाइन वन टू वन मीटिंग अराउंड दीज सिक्सटीन क्वेश्चन ओनली सो so अब देखो जो अपना पूरा जो इंटरव्यू का प्लान है सो पूरे इंटरव्यू के प्लान में ना दो तरह के सवाल होते हैं ठीक है एक जो सवाल तुम्हारी तुम्हारे प्रोफाइल या तुम्हारी पर्सनैलिटी से बाहर निकलते हैं जैसे कि आ, अगर आप आ, जैसे कि अगर आप ग्वालियर के रहने वाले हो तो ग्वालियर का जो फोर्ट है ग्वालियर की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर कोई सवाल बन गया या फिर एंड ऑफ कोर्स पर्सनल सवाल तो इसी में आएंगे इस वाली इस वाली बकेट में So, मोटा मोटा सारे सवालों को दो बकेट में डिवाइड करते हैं एक कि वो सवाल जो सिर्फ तुमसे ही निकला है बिकॉज ऑफ यूर एजुकेशन बिकॉज ऑफ यूर बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ यूर वर्क एक्स बिकॉज ऑफ यूर द प्लेस वेयर यू स्टडीड और प्लेस यूर जहां आप रहे हो जहां आपने प्राइमरी स्कूल किया है तो वो सवाल तुम्हारे प्रोफाइल से ही निकला है या फिर अगर तुम पीएनबी में काम करते हो तो व्हाट इज पीएनबी डूइंग व्हाट व्हाट इज इज बीइंग डन फॉर एनपीए इन द कंट्री तो ये सवाल तुम्हारी पर्सनैलिटी से निकले हैं ठीक है एक अगर दूसरा आदमी इन्फोसिस में काम करता है तो उससे ये पूछे जाना कि पी एनबी कहां जाएगा या एनपीए के लिए क्या हो रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है सो कैटेगरी वन ऑफ क्वेश्चन इज कि जो तुम्हारे पर्सनैलिटी से जो तुम्हारे सवाल लिख रहे हैं तुम्हारी हॉबीज तुम्हारा वर्क एक्स तुम्हारे गैप ईयर ये ये सब चीजें दिस इज पार्ट वन फिर एक पार्ट टू ऑफ कैटेगरी वाले वाले सवाल होते हैं जो कोई भी सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है जैसे कि अब इंडिया कैनेडा में जो कुछ हो रहा है या फिर पूरे कंट्री में लेबर रिफॉर्म्स के लिए क्या हो रहा है या फिर सोशल uh, सिक्योरिटी के लिए व्हाट इज बीइंग डन गवर्नेंस के इश्यूज या वो सब ये वाले सवाल हैं कि जो किसी से कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है दो दो कैटेगरी कैटेगरी वन कैटेगरी टू मैंने आपको अभी बता दिया ठीक है अब अब जो 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 आपका सिलेक्शन का चांस है ना वो एट्टी परसेंट डिपेंड करता है कैटेगरी वन के क्वेश्चन पे न की कैटेगरी टू के क्वेश्चन पे एट्टी परसेंट जो चांसेज ऑफ सिलेक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कैटेगरी वन वाले सवालों में आप कैसा परफॉर्म करते हो और उस कैटेगरी वन को ही हैंडल करने के लिए हमने ये सोलह सवालों का आपको लिस्ट बनाया है ठीक है सो दिस इज सुपर इंपोर्टेंट जो कैटेगरी टू है एनी anyway, वो एक प्रेडिक्टेबल एरिया है उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते ठीक है अपना अखबार पढ़ लो थोड़ा करंट अफेयर देख लो ये कर लो बट बियॉन्ड अ पॉइंट एनीथिंग कैन बी आस्ट कोई कुछ भी पूछ सकता है ठीक है अब आई नो सो अभी किसी का इंटरव्यू हुआ था ई एस आईसी डी डी का उसका कोई लेना देना नहीं है तो उससे पूछ लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या हो रहा है वो सब है बट तो, ठीक है वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट सो लेट अस फर्स्ट फोकस मोर ऑन कैटेगरी वन क्वेश्चन अस फर्स्ट फोकस मोर ऑन दैट पार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव एट्टी परसेंट चांसेज ऑफ यूर सिलेक्शन सो कैटेगरी वन वाले जो सवाल है उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है और जो हमारा भी जो इंटरव्यू को तैयारी कराने का जो हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है वो कैटेगरी वन के आसपास ही है हम आपको कैटेगरी टू में करंट अफेयर नहीं पढ़ाने वाले वो सब तुम्हें खुद पढ़ना है अखबार खुद पढ़ना है करंट इश्यूज के वो सब खुद से करना है वो हमारा भी फोकस सिर्फ कैटेगरी वन में एक्सेप्ट कुछ ऐसी बातें जो काफी हाईली प्राइटेबल uh, है जैसे लेबर रिफॉर्म या वो भी हमने इंक्लूड कर लिया बट प्राइमरली हम कैटेगरी वन का जो सेगमेंट है उसी में ही हम आपको चमकाना चाहते हैं दैट इज वेयर मोर 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 वैल्यू वैल्यू लाइज सो जो कैटेगरी का पूरा आप हमें सवाल जब उसका आंसर बना के आप हमें भेजोगे ऑनलाइन वन टू वन इवेलुएट करेंगे उसके बाद वर्कशॉप होगा ठीक है जो वर्कशॉप का पूरा एजेंडा है कि दो दिन का वर्कशॉप होगा गुड़गांव में होगा तो वो करने वो जो पूरा उसमें क्या प्लान है वो हमने वेबसाइट पे अच्छे से आप लोगों को यहाँ आप लोगों को समझा दिया है सो so, वेबसाइट पे आप इंटरव्यू वाले पेज पे जाओगे सो गो थ्रू दिस पार्ट पार्ट और इसमें अच्छे से लिखा है कि डे वन डे टू पे हम क्या करने वाले हैं क्या प्लान है क्या है जस्ट गो थ्रू इट आई आई डो नॉट नीड टू रिपीट इट ठीक है uh, कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि मैं uh, मैं फिजिकल मैं वर्कशॉप में नहीं आ सकता तो मैं इसको ऑनलाइन करना चाहता हूँ ऑफ कोर्स हम आपका मोक इंटरव्यू ऑनलाइन कर लेंगे और कर सकते भी हैं बट द वैल्यू विच अ इनक इंटरव्यू इन अ ऑनलाइन मोड इज मच 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 लेस देन कि जो जो आप फिजिकली जो आपके सामने ये सारा एक्सरसाइज होगा क्योंकि जब फिजिकल वाला सारा होगा ना उसमें समबडी विल लुक एट एवरीथिंग कि आपका जो ड्रेस है बॉडी लैंग्वेज है ये है वो है कुछ हर चीज का एक आ, और उसमें कुछ सेशंस भी हैं उनमें शायद आपको लोगों को थोड़ा कुछ अः थोड़ा कुछ मोक वो करके भी दिखाएंगे देर इज ऑल्सो सेशन ऑन कि कैसे ये ये वाला सेशन बॉडी लैंग्वेज ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन सेटिंग पोस्टर ये सब चीजें भी हैं तो इसके लिए द वैल्यू विच यू विल गेट इन अ इन अ फिजिकल सेशन इज मच मच मोर देन द ऑनलाइन सेशन ठीक है अब गाइज उसके अलावा अगला जो बात है वो ये है कि uh, वेरी नाइस nice, आपने रिटर्न पास कर लिया है और काफी सारे लोगों ने एग्जाम दिया उसके बाद ए में एक सौ दस लोगों ने रिटर्न निकाला है वेरी गुड बट स्टिल अभी भी चार गुना लोगों को बुलाया हुआ है ठीक है मतलब अभी भी ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा सिलेक्ट होने की और गैस 25 फाइव परसेंट अगर आप देखो तो इट्स अ वेरी मतलब हर चौथा आदमी इट्स इट्स अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ठीक है और इन अ वे मतलब अब यूपीएससी वाले आप लोगों को जो ये पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है वो ना आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं कि क्या, कि क्या इसको मैं इसमें से मैं मैं किस किस को मैं इसको रिजेक्ट करूं अनदर थिंग और जो मैंने थोड़े दिन पहले एक दूसरे सेशन में बताया था कि इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा आप लोगों में कि कौन अंदर है कौन बाहर है जो रिटर्न का स्कोर है उसमें जो द डिफरेंस बिटवीन अ वेरी हाई स्कोर एंड अ वेरी लो स्कोर इज गोइंग टू बी वेरी लेस देर फॉर ओनली इंटरव्यू डिसाइड या फिर दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें कि ऐसा भी होगा कि किसी ने रिटर्न में ऑलमोस्ट ऑल इंडिया टॉप कर दिया होगा या फिर शुरू के पांच दस परसेंट में होगा और वो स्टिल वो फेल हो जाएगा क्यों क्योंकि उसके इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आए इंटरव्यू इज सो इंपॉर्टेंट और ऐसा भी होगा कि जो बिल्कुल कट ऑफ पे होगा और बिकॉज ऑफ इंटरव्यू दैट पर्सन विल बी इन सो जो रिटर्न की वेटेज है दैट विल नॉट दैट इज नॉट गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन फाइनल सिलेक्शन और उसका जो उसके पीछे जो गणित है उसके पीछे जो लॉजिक है वो एक YouTube पे मैंने वीडियो डाला था दस दिन पहले उसको देख लेना उसे तो मैं समझ में आ जाएगा दोबारा से क्यों ऐसा बोल रहे हैं सो नाउ दैट वन फोर्थ प्रोबेबिलिटी है नाउ दैट यूपीएससी वाले चार में से तीन आदमी को रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं नाउ दैट रिटर्न का कोई ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है फॉर यू गाइज ऑफकोर्स उसके लिए तो है जो फेल हो गया रिटर्न में ही, लेकिन फॉर यू गाइज आप एक सौ दस लोगों में से रिटर्न uh, में आपने किसी किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो इट्स ओके अब भूल जाओ उस बात को अब इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्रम शक्ति भवन में आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी एज ठीक है एंड सिमिलरली फॉर एल्सो सो इन तीन चार बातों का निचोड़ क्या है कि अब हमें इंटरव्यू के लिए पूरा अपना सीरियस अपना एफर्ट देना है इंटरव्यू के लिए आपको सीरियसली पढ़ाई करना है अनदर थिंग और ये आप खुद से भी ट्राई कर लेना अगर एक दूसरे को आपस में लोग अगर आप जानते हो कि जो ये 110 लोग है ना इसमें हार्डली कोई एक दो को छोड़ के इन 110 लोगों में कोई इतना ही बुरा नहीं है कि उसको बाहर निकाल दिया जाए इंटरव्यू से सो वट आई एम ट्राइंग टू से कि ऑल ऑफ यू आर ऑलमोस्ट इक्वली कॉम्पिटेंट ऐसा भी नहीं है कि इन 110 लोगों में आ, मतलब जो भी आपको अपने बारे में अच्छा लगता होगा कि मैं आ, मैंने एनसीसी किया है मैं हॉकी टीम का कैप्टन था या मैंने ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाया या मैंने वो दिखाया आप विश्वास कीजिए क्योंकि हमने पूरा वर्कशॉप वगैरह किए हैं ये सब ना सभी के लोगों के पास है तो इसका मतलब एक तरह वन फोर्थ है अब ये भी बात काफी हद तक ठीक है कि सभी लोग अच्छे होते हैं जो रिटर्न निकालते हैं मेहनत करके आते हैं मतलब किसी में एक आउटस्टैंडिंग बात ऐसी हार्डली कभी होती है कि अरे इस आदमी को तो भारत सरकार की जरूरत है ही मतलब इसको तो हमें लेना ही पड़ेगा अदरवाइज किसी में कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती ऑल ऑफ यू आर इक्वली गुड ओके सो दैट मीन इन सब बातों का क्या मतलब है इन सब बातों का मतलब है कि आपको अपने इंटरव्यू के लिए अब सीरियसली एफर्ट करना होगा और सीरियसली एफर्ट तो करना ही है इवन अपनी जो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना होगा छोटी छोटी मतलब मैं कैसे बात करता हूं कैसे उठता हूं कैसे बैठता हूं कैसे, बैठता हूं, कैसे कपड़े पहनता हूं सफेद कमीज पहनूंगा नहीं पहनूंगा टाई लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा कैसे बैठूंगा कैसे बात करूंगा क्योंकि उन्हें चार में से तीन को निकालना है ठीक है तो आ, अब यू डोंट हैव टू गिव और अगेन हालांकि ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इंटरव्यू का सरकारी कॉन्टेक्ट है यूपीएससी वाला उसमें ना इतने ओपन माइंडेड लोग भी नहीं होते हैं, जैसे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर में में होते अगर आप में जाओगे और आप अगर आप इंटरव्यू देते हुए एक चाय का कप लेके भी अंदर चले जाओगे पीपल विल नॉट माइंड इट कि ठीक है भाई आप कभी यूपीएससी में चाय का कप लेके इंटरव्यू में अंदर जाना और देखना फिर क्या, क्या होता है फिर अगली बार की तैयारी करना तो आ, कहने का मतलब है कि एक एक सरकारी इंटरव्यू का एक यूपीएससी का और आप में से कुछ लोगों ने दिया भी है एक ना एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है तो ऐसे फ्रेमवर्क में ज्यादा गलतियां करने का भी स्कोप नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि जो ये हाइजीन हम अपनी मेहनत जो है वो तो करेंगे अपने जो हाइजीन फैक्टर है उन्हें तो भी हमें एक एक करके देखना होगा अनदर uh, थिंग तो, uh, एक चीज और इंटरव्यू के बारे में हम सबको लगता है कि हमारा क्या परसेप्शन होता है जैसे कि न, जैसे कि लोग इंटरव्यू इंटरव्यू दे के वापिस जब घर आते हैं ठीक है तो वो लोग कैसे बात करते हैं कि अच्छा मेरे से आठ सवाल पूछे और पहला सवाल मैंने ठीक बताया प्लस वन अगला गलत बताया माइनस वन तीसरा गलत बताया माइनस वन अगला बताया प्लस वन तो इतने प्लस इतने माइनस एंड दैट इज हाउ दे डिसाइड कि Uh, मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया या अच्छा नहीं किया पर गाइज इंटरव्यू में ऐसा ऐसा गणित नहीं होता है इंटरव्यू इज अबाउटन ओवरऑल पर्सनैलिटी ओवरऑल कितनी लाइकिंगनेस बनती है आपके लिए इट्स वेरी सिमिलर टू कि एवरीडे लाइफ में जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम उसको कितना हम उसे कितना मतलब लाइक like करते हैं कितना नहीं करते आप सब ने चीज अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि अह कि मतलब समटाइम्स आपको लगेगा कि भाई मैं तो उससे दिखने में भी सुंदर हूं मैं लंबा हूं मैं उससे ज्यादा पैसे भी कमाता हूं और मैं एक्स वाई जेड सब चीजें हैं बट स्टिल मतलब somebody else somebody else gets chosen जो कि आपको समझ नहीं आएगा क्यों या फिर आप जब आप आप जब मतलब शादी के लिए भी आप लोग लोग जाते हो लड़की देखने या लड़का देखने तो एंड यू कैन फील इट कि इट्स नेवर अबाउट कि पांच सवाल बताए एक गलत दूसरा बताए तो आप ना एक आल, एक परसेप्शन बनाते हो एंड इट माइट हैपन कि कई बार हर बात उसके बारे में ठीक होगी मान लो कोई लड़की लड़का देखने जाएगी नौकरी भी अच्छी है फैमिली भी है फिर ना संबड़ी उसको लगे नहीं भाई मुझे ना आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट आई एम नॉट आई एम नॉट फीलिंग डोंट फील इंग द लाइक लाइकिंगनेस टू वर्ड दिस पर्सन ऑन द अदर एंड ऐसा हो सकता है कि कोई लाइफ में तुम जाओगे किसी से लड़का लड़के से और वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा है कुर्सी पैसे बैठा है घटिया से टी शर्ट पहन के आ गया है और मतलब यूल लाइकिंग दैट पर्सन सो क्या इस वाले एग्जाम्पल से मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पूरा इंटरव्यू का परसेप्शन है ना दैट इज बियॉन्ड कि आपने क्वेश्चन में कितना सही जवाब दिया कितना गलत जवाब दिया और उसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं तो ये इन बड़े सारे फैक्टर्स में भी क्यों हम कोई गलती नहीं करें इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको इस चीज को थोड़ा प्रोफेशनली आपको हैंडल करना चाहिए ठीक है प्रोफेशनली आपको मतलब तो कोई भी अननेसरी गलती करने से हमें बचना है मुझे अगर ठीक है अगर अगर व्हाइट कमीज अच्छा लगता है व्हाइट ठीक है व्हाइट कमीज पहन के चले जाते हैं सो लेट्स नॉट फेल ऑन दोज हाइजीन फैक्टर्स सो ये जो ओवरऑल आपको जो लाइकिंगनेस है वो आपको क्रिएट करनी है एंड ऑफ कोर्स हमारे लोग आगे जब सेशन होगा हो आपको बताएंगे भी कि लाइकिंगनेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है जैसे कि आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पे आपको क्या करना है एंड अगेन इस लाइकिंगनेस को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ठीक है एंड दिस दिज नॉट एक्साम्पल दिस अ रियल इंसिडेंट ठीक है अब मैं उसका नाम आपको नहीं बता सकता बट आई टेल यू द एंटायर स्टोरी So, एक एक हमारा स्टूडेंट था उसने 2012 में अपना पढ़ाई खत्म कर लिया ठीक है 2012 से 2016-17 तक वो सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा कुछ नहीं किया उसने खाली बैठा था ठीक है तो 2016-17 में वो कहीं सिलेक्ट हो जाता है इन गवर्नमेंट जॉब बट नॉट सिविल सर्विस कहीं और ही गेट सिलेक्टेड और वो अपना नौकरी शुरू कर देता है उस सरकारी विभाग में ठीक है उसके बाद यही लड़का 2022 uh, में या 21 में सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के लिए इंटरव्यू देने जाता है ठीक है और यूपीएससी वाले सवाल पूछते हैं कि भी पांच साल तेरा गैप ईयर क्यों है और इस बात पे यूपीएससी यूपीएससी वाले उसको दबा के पेल देते हैं मतलब उसको कि, भी, कि ऐसा भी क्या किया पांच साल तूने ऐसा भी क्या तैयारी किया पांच साल और उसको बिल्कुल ना वही उस, उसको ना वहीं जाके उसको बिल्कुल उब, उब, उसको फेल कर देते हैं फिर यही लड़का ई एस आई सी डी डी के इंटरव्यू में दोबारा से पास हो जाता है अभी जो हुआ है कुछ दिन पहले ई e, इंटरव्यू के लिए ठीक है सो तो जब ये इंटरव्यू का इंटरव्यू देने गया तो इसको काफी डर था वेरी तो स्के हमसे मिलने आए ऑफिस में और उसने कहा कि ना ये एक सवाल है जिसका मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं कि यूपीएससी वाले पूछते हैं कि पांच साल से तू तो कर क्या रहा था तो हमने उससे पूछा लेकिन तू तो एक्चुअली क्या कर रहा था तो उसने बताया कि पढ़ाई तो कम की दो साल तो मैंने ऐसे कुछ अपना लगा दिया मैं स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे कुछ कुछ गिटार विटार बजाना इन सब चीजों में था तो एंड वी हैड दिस वेरी ओपन कन्वर्सेशन विद कि ये बताने में क्या दिक्कत है कि uh, कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में ट्राई किया या फिर मैंने गिटार बजाया है या जो भी है मतलब कि पांच साल में कम से कम दो साल तो यही बता दो ठीक है दू, दूसरी बात कि यूपीएससी वाले तुम इसलिए पेल दे रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर गैप ईयर वाली बात है तुम यूपीएससी वाले बताओ ठीक है सर मैंने अपना समय लिया लेकिन उसके बाद मैंने 2016 में कोई एग्जाम पास भी किया है और मेरी एक अच्छी जगह मेरी नौकरी लगी भी हुई है मे बी आई टुक मोर टाइम देन अदर्स ओके हम सब जीवन में आगे पीछे होते रहते हैं बट दैट मीन की अगर मैंने पांच साल गैप ईयर था तो यह मेरी कोई कमी है और अगर तुम्हें अपने अंदर से बात निकाल दिया कि गैप ईयर होना कमी है तो अपने आप ही यूपीएससी वाले तुम्हें अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो वो भी तुम्हें मतलब रगड़ नहीं पाएंगे एंड गाइस दिस एक्चुअली और एक और मजेदार बात सुनो कि ये जब इंटरव्यू देने गया ना ये लड़का तो इसका जो पैनल था उस पैनल में दो आदमी सेम थे फ्रॉम द सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ वाले इन द आई सी सेम थे और खास बात है उन लोगों ने वही सवाल उससे पूछा प्रोबली शकल याद आ गया जो भी था दे आज द सेम क्वेश्चन और फाइनली अब वो ईएसआईसी डीडी में उसने अपना कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और वो ईएसआईसी डीडी में वो सिलेक्ट हो गया नाउ ही विल ज्वाइन ईएसआईसी डीडी सो गाइस अब इस सारी स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने उसका जीवन बदल दिया करेक्ट और ऐसा भी नहीं है कि उसकी लाइफ में हमें कुछ झूठ बोलना पड़ा या फिर उसकी आ, उसकी स्टोरी में हमने कुछ हमने उसकी स्टोरी में कुछ चेंज कर दिया कि अब ये बुरी बातें इनको छुपा देते हैं अच्छी बातें निकाल ऐ, ऐसा भी नहीं है स्टिल वाई इज देयर दिस डिफरेंस बिटवीन अर्लियर सीनियर एडमिन ऑफिसर डी और उसके बाद ई एस आई सी डी डी इंटरव्यू दैट इज बिकॉज उसकी जो पूरी That is because उसकी जो पूरी लाइफ है उसकी जो वो है उसको उसने किस तरीके से अपना अपने सामने प्रेजेंट किया।, अपने, अपने किया और उसी में आ, आ, उसका मतलब डिफरेंट भी सामने आ गया और फाइनली गोट सिलेक्टेड ठीक है सो गायंग नाउ दैट चार में से एक को सिलेक्ट होना है तो ऐसे ही उठ के मत चले जाओ टेक सम प्रोफेशनल हेल्प ऑन एवरीथिंग एवरीथिंग का मतलब है इंटरव्यू के लिए जो भी हाइजीन फैक्टर्स हो सकते हैं सो आईल से कि हमारा जो प्लान है आप उसको ज्वाइन करो नहीं करना आपके पास जो भी आप उसमें उस, उसमें आप चले जाओ बट टेक प्रोफेशनल हेल्प और उससे करके ही आप अपना चीजों को आगे जाओ अनदर थिंग इस सारे इस सारे का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप कहीं सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू दे दो आपके सामने तीन पैनल मेंबर बिठा दिया या वो कर दिया सारे एक्सरसाइज का है आप लोगों को तैयार करवाना वो फाइनली मोक इंटरव्यू तो बस एक 25-30 मिनट का एक प्रोसेस है प्लीज अंडरस्टैंड हालांकि वो इतना है क्योंकि यूपीएससी की जनता में मोक इंटरव्यू होता है, है यूट्यूब उसने कैसे बोला क्या बोला ये सब बात तो है नहीं बात तो उससे पहले की है उससे पहले जो होमवर्क करना है उससे पहले जो 16 सवालों के आंसर्स को रिवोक कर, करके होमवर्क करना उससे पहले जो इश्यूज पे अपनी थिंकिंग बनाने उससे पहले वो सब करना है सो फोकस ऑन दैट उसके बाद तुम अच्छा अच्छा तुम बोली दोगे और ऐसा भी नहीं है कि वहां हम तुम्हें कुछ ऐसा सिखा देंगे कि वहां बोलने के लिए तुम कुछ विशेष विशेष मीठा या अंग्रेजी या विशेष कुछ बोल दोगे कि तुम्हें देखते ही वाह वाह क्या बात ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुम्हारा बोलने का तरीका है जो तुम्हारा तुम वैसे रहोगे उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होगा सो टेक सम प्रोफेशनल हेल्प डू इट सीरियसली इसको पूरा प्रिपरेशन का एक इसको पूरा एक प्रिपरेशन के प्लान बनाओ एंड गो थ्रू दो स्टेप्स डोंट टेक इट लाइटली ठीक है देन 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 ठीक है सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और uh, 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 uh. इसके बाद कुछ और है क्या uh, हाँ एक लास्ट बात एंड देन यू कैन रेज योर हैंड और एक एक करके हम लोग बात कर सकते हैं जिसको कुछ भी पूछना है कि uh, Uh, कि न कुछ लोगों का ऐसा भी परसेप्शन है कि uh, जैसे कि हमारे पास ही कोई आया था कल परसों की उसे लेबर uh, लॉज में उसे कुछ क्वेश्चन याद करने हैं क्योंकि इंटरव्यू है या ये सब कुछ कुछ है तो so कैज ये सब का इंपोर्टेंस काफी कम है अभी अभी जो कैटेगरी वन है ना उसपे ज्यादा ध्यान दो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है कि आपसे कोई ये पूछेगा कि इस वाले एक्ट में ये प्रोविजन क्या है वेरी वेरी लेस अब ना आपको मैक्रो पिक्चर में जाना होगा एक लार्जर पिक्चर समझनी होगी हर चीज की कि लेबर कोड को आ, क्यों आए क्यों इनका नीड है क्या इश्यूज हैं क्या कुछ है कौन सा एक्ट में क्या है सो रादर देन हैविंग कि एक एक एक्ट के एक 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 प्रोविजन के अंदर जाके अभी रिटर्न एग्जाम वाला तैयारी नहीं है सो so, अभी लेबर लॉज वगैरह रिमेंबर करना बंद करो उसका जो एक लार्जर पिक्चर है उसको देखना शुरू करो ऑन एवरीथिंग ऑन एवरी इशू

या सिद्धार्थ स्पीकअप यस हाँ हाँ जी सिद्धार्थ एंड ऑल्सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीकअप सिद्धार्थ प्लीज बोलिए सर मेरा सवाल ये था कि जो सेशन होने वाला है ऑफलाइन ये कब तक होगा ये बीस बाईस अक्टूबर के आसपास हम लोग करेंगे बीस बाईस अक्टूबर के आसपास ओके हाँ थैंक यू सर ओके या या सो स्पीक प्लीज प्लीज स्विच ऑन कैमरा एंड बोलिए मैं वर्किंग फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉयर को फॉर्म आपका ना शायद थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है हमें आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा वो देखना होगा क्या कर सकते हो इसके लिए तब तब तक तक आप ये देखिए मैं किसी और से बात कर लेता हूँ तब तक आप फिक्स कर लीजिए या मोटरोला वन प्लीज पॉसिबली व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अवर इंटरव्यू सर हाउ मेनी डेज गेट देखिए यूजुअली तो ना रिटर्न में काफी सारा है है। के ठीक कपल ऑफ मंथ्स

कैसे किस लेवल पे क्या पढ़ाई करना है सो आई मीन नोट टुडे आपने संतोष कौन सा वाला निकाला है ए एल सी एल ईओ दोनों निकाला है सर वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी नाइस nice. मुझे याद है आप सवाल क्लास में काफी सवाल पूछते रहते थे वेरी नाइस थैंक यू सर बहुत ही बढ़िया सर सर ओ में ऑफलाइन होगा कि सर वो ऑफलाइन यस ऑफलाइन इंटर में सारा पर्पज ही ऑफलाइन करने का यही है

तो इंटरव्यू से पहले क्या इंटरम एनओसी होगी या फिर फाइनल के साथ फाइनल तरह होगा इस तरह का कुछ निश्या निश्या ये था 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 था। तो मुझे भी नहीं मालूम है लेकिन जो आपके अगर आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है उसका कोई उसका कोई डॉक्यूमेंट या उसका एनओ एनओसी तो विल मेक ओनली वेन यू एक्चुअली ज्वाइन द सर्विस राइट बट बट आई एम नॉट वेरी श्योर आपको ना चेक करना होगा मैं इस बारे में जानकारी नहीं है मुझे ओके ओके सो लेट स्पीक टू नाउ मोहित मेहता या मोहित प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप मोहित हाँ सर आप, आपके यहाँ पे मोक इंटरव्यूज का भी कोई प्रोविजन है क्योंकि सर एक्चुअली इसके बारे में ये कोचिंग ले चुका हूँ कहीं पे और उसमें क्या करना है आपको एक बार हमारा वेबसाइट पे जाना है और इसको आप क्लिक करके इस पेज को पूरा एक बार पढ़ डालिए इसमें सब लिखा हुआ है ठीक है एंड सर वो वन ऑन वन सेशन अबाउट दोन क्वेश्चन वो अगर जैसे आप ज्वाइन करोगे फिर आप हमें अपना जितना भी आपको टाइम चाहिए हफ्ता वो सब सो लिखने का यू विल ईमेल दैट टू अस एंड उसके बाद विल सेटअप अप अ फॉर यू ओके थैंक यू सो मच ओके थैंक्स ओके लेट अस नाउ स्पीक टू विकास कुमार हां जी विकास प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीकर विकास यस सर हां जी विकास बोलिए प्लीज गुड आफ्टरनून सर हां जी विकास मैं सर ये जानना चाह रहा था सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इंटरव्यू देना है वो किस भाषा में ठीक रहेगा इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें आप जिसमें आप अच्छे कंफर्टेबल हो बस इसमें कोई रूल नहीं है न ही कोई ऐसी बात है कि हिंदी के जहा चांस अंग्रेजी जहाँ चांस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो आराम से आप दोनों मिक्स करके बात भी कर सकते हो इसमें कोई आपको बस अपने अपना कंफर्ट लेवल देखना है बस जैसे आप बात कर रहे हो सर क्या वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप हिंदी में बात करना चाहेंगे बीजेपी वाले आग लगा देंगे देश में अगर इंग्लिश yes. में इंट्रो ऐसा जबरदस्ती करेंगे तो नहीं नहीं ऑफ कोर्स यू कैन हिंदी बिल्कुल आराम से बात कर सकते हो ठीक है सर थैंक यू ओके ओके लेट्स नाउ स्पीक टू गुरेंद्र यस गुरेंद्र प्लीज बोलिए गुरेंद्र स्विच ऑन योर कैमरा एंड स्पीक अप गुरेंद्र या Good afternoon, sir. I think my, my video is not working properly. I okay. wanted to reply to Vaibhav. Actually, wanted to know whether the NOC or the experience certificate is required at the time of interview. So, on the basis of my previous experience and my past experience with UPSC, I was also working with a government company. So, UPSC always asks for experience certificate. It never asks for NOC. And uh, all the government organization can offer the...

और वर्क एक्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देना ही पड़ेगा अगर आप यूपीएससी के लिए इंट्रो देने जाते हो तो वो मना And नहीं right, फॉर्मेट में, में, yes. में ही करना चाहिए करेक्ट वाई नाइस वाई नाइस आई थिंक राइट नो सर आई वाज नॉट इन इंटरव्यू एक्चुअली आई वाज सिलेक्टेड फॉर एलियो एलियो वाई नाइस बट आई डिड नॉट जॉइन दैट

जो आपने पैनल बिठाना मॉक इंटरव्यू में आपको ओके okay, ये गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ना हम लोग जो मोक इंटरव्यू के आते हैं उसमें हमारा क्या अप्रोच रहता है ठीक है तो हमारे पैनल में ना और जो बातों हमने हमने ईएसआईसी डीडी में हमने क्या किया था ये ईएसआईसी डीडी के इंटरव्यू में ठीक है तो आ, उसमें हम तीन तरह के ल, आ, लोग लेके आए एक तो था मतलब सरकारी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे एक तो ठीक है दूसरा वी गोट समबडी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जो कि एक बिग फोर कंसल्टिंग फर्म में पार्टनर थे लेकिन उन्होंने ना सोशल सिक्योरिटी पे ही काम किया था ठीक है और तीसरा एक बॉडी लैंग्वेज के लिए एक हम साइकोलॉजिस्ट टाइप लेके आते जिसने तो इस तरह के तीन लोग हम लेके आते हैं एक सरकारी एक कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ठीक है जो प्राइवेट कंपनी थे और तीसरा जो बॉडी लैंग्वेज आ रही है सबका फीडबैक देने के लिए अब इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं कि वो जो वो जो पार्टनर थे ना बिग फोर में जो कि सोशल सिक्योरिटी पे काम किया था तो मतलब उनका इतना अंडरस्टैंडिंग था कि एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि ना ईपीएफओ में ही सॉरी जो ईएसआईसी में ही नौकरी करता था बट एट जूनियर लेवल देन पोस्ट पोस्ट लेवल टेन लेवल इलेवन की है शायद लेवल सिक्स सेवन पे था वो सिलेक्ट भी हो गया है ठीक है नो you know, उस पार्टनर ने उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि फाइनली वो बोलता है जो स्टूडेंट था कि सर आप उसी में काम करते हो क्या कि आप ई में नौकरी करते हो क्या तो एनीवे सो आइडिया इज कोर्स वन सरकारी वन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जैसे कि जब इंटरव्यू होगा एएलसी एलईओ का तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कोर्स दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी कौन आदमी से हम लेके आते हैं हमारी क्वेश्चन रहेगी जो पूरे लेबर का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग रखता हो पूरे लेबर इकोसिस्टम की ठीक है एंड तीसरा ऑफकोर्स एक पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज बैठना उठना वो सब जो कैसे बात करना है कैसे बोलना है तीसरा आदमी वो उसको लेके होता है ठीक है हाँ okay. so, ओके सो स्पीक टू हिना हिना जैन प्लीज बोलिए आई थिंक आप भी हमारी विद्यार्थी रही है right? हां अच्छा, सर हाँ, uh, 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 हा, मैं मिल आपकी स्टूडेंट uh, मेरा ये क्वेश्चन था कि sir, जो है, वो, sir, uh, मतलब अभी पहले भरवाते हैं या इंटरव्यू के दिन पे भरवाते हैं नहीं नहीं देखो ये ना थोड़ा रैंडम प्रोसेस है कुछ में तो डेफ भरवाते ही नहीं है में में और हाँ, कुछ भरवाते हैं लेकिन, लेकिन जो भरवाएंगे उसके लिए सिग्निफिकेंटली पहले भरवाएंगे जैसे ईपीएफओ का डैफ अभी आजकल भरवाया जा रहा है शायद अभी 21 से 2 तक या कुछ भी एपीएफसी का बट एल सी में अभी हाँ मतलब आगे आएगा वो जब भी यूपीएससी निकालेगा उसको जैसे इन लोगों को तो एक डेढ़ महीने बाद उन्होंने डेफ का वो निकाला डेट और उसी जो ये आप 16 सालों की तैयारी हम लोग करेंगे ना उसका एक आउटपुट ये ये भी है कि वहां क्या लिखना है ओके okay. तो वहां पे सर ऑफलाइन लिखना होता है ना नहीं ऑनलाइन अच्छा ऑनलाइन लिखना होता है ओके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के पहले दोबारा एक बार होगा या ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यू में ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आपको वो सब अपना जो भी है आपके सर्टिफिकेट वगैरह वो सब जाके दिखाने होते हैं और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि अगर उस दिन किसी का कोई सर्टिफिकेट कम ज्यादा भी है तो उसको वो निकाल नहीं देते हैं उसको टाइम देते हैं कि पंद्रह दिन के अंदर आके दोबारा से करा लेना ऐसा कुछ कुछ ओके ओके ठीक है सर और सर जैसे एनओसी के लिए अभी किसी ने पूछा था तो मैं बता रही हूँ कि हमने ऑनलाइन जब फॉर्म भरा था तब एनओसी और वर्क एक्स उसमें रिक्वायरमेंट थी फिल करने की तभी हमने ऑनलाइन अपलोड किया था ओके 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 ठीक है सर थैंक यू सर ओके हिना थैंक सो मच ऑल द बेस्ट

यस yes. ये इट्स प्योर कॉमन सेंस की कुछ लोग होंगे दोनों में सिलेक्ट हो जाएंगे वो और वो चूज एलसी हाँ। कर लेंगे तो नीचे एलई परसेंट होगा और सर दूसरा चीज ये पूछना था जैसे कि मैं ऑलरेडी एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो एलईओ का जॉब किस तरीके का है मतलब एक्चुअल काम किस तरीके का है अगर उसके बारे में कुछ आइडिया मिलेगा देखो ये तो सूरज मुझे भी नहीं ज्यादा मालूम है हम अपने आप को ना तैयारी करवाने तक ही सीमित रखते हैं लेकिन हम कई बार ना बीच बीच में बुलाते रहते हैं अभी साक्षी को बुलाया था गुरेंदर का ने भी answer. गुरेंदर, आप थोड़ा बताना चाहोगे कि एलियो की नौकरी में क्या होता है जी सर एक्चुअली एलियो का हाँ। जॉब बेसिकली आप, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे गुरेंद्र आपकी आवाज कम आ रही है प्लीज लेकिन का काम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंसिव इंस्पेक्शन होता है सबको टारगेट दिए जाते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट के इतने टारगेट आपको अचीव करने हैं कॉन्ट्रेक्टर का इंस्पेक्शन होता है का इंस्पेक्शन होता है एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर एक्ट हैं उनका ही इंप्लीमेंटेशन का काम होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एलई रिपोर्टली एल ई ओ डज नॉट रिपोर्ट टू ए एल सी तो आर एल सी या डिप्टी सी एल सी ही एलईओ का जॉब डिफाइन करता है तो बेसिकली okay. काम एलियो का इंस्पेक्शन का है एलईओ की, की रहेगी और एल सी में तो पास होता है कि आप, भी बन सकते, हो, आप में भी जा सकते हो अगर आप वेलफेयर में चले तो अलग हो जाता है। उसमें खाली okay. बैठना है या आप जैसे कि आपके जो सेंट्रल वेलफेयर फंड वो अलग काम देखना होता है अगर आप एल सी बने हो तो आपका ऑल टूगेदर अलग जॉब हो जाता है लाइसेंस दे, लाइसेंस देना कॉन्ट्रेक्टर को, को या सर्टिफिकेट देना

करने का नहीं मिल रहा है। और इतना इंस्पेक्शन है ठीक है बहुत आपको ऑनलाइन का रिपोर्ट भी डालना है, अब जो आ, पोर्टल है हर चीज़ आ, हो तो पहले जैसे नहीं है कि आप जहां चले कर दिया। अभी आ, कि आपको इस हफ्ते में यहाँ इंस्पेक्शन करना है पहले से टारगेट आ, आ जाएगा फिर उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी आपको डालनी पड़ेगी फिर अगर उसमें कोई आप किसी के अगेंस्ट केस करते हैं तो उसमें कोर्ट में भी आपको जाना पड़ेगा कोर्टी तो जॉब मतलब एलईओ का जॉब थैंक यू सो मच अच्छा कोई और है जिसको कुछ गुरेंद्र से पूछना है नौकरी के बारे में जो प्रोफाइल के बारे में प्लीज फील फ्री यस सर हाउ लॉन्ग फॉर एलो ऑफिसर टू बी एल सी सर ये तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली सीनियोरिटी ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज 2011 या 12 में यूपीएससी ने 57 सेवन वेकेंसी निकाली थी एल की ठीक है उसके बाद से आई थिंक आफ्टर एवरी टू टू थ्री इयर्स यूपीएससी वेकेंसी निकालता है तो बैकलॉग बहुत कम है ठीक है 2012 से अगर पहले कोई एलई e. बना हुआ है ठीक है उस टाइम चांसेस था आपको टू एट ईयर्स में आप बन जा रहे हैं बट अभी जो मैंने सुना है ठीक है जो सिनियोरिटी देखे आई मे बी रॉन्ग तो बोल रहे हैं दस बारह साल लगेगा जो पहले वाला बैच है टू थाउजेंड एन वाला जो बैच है तो टाइम लगेगा नो डाउट इवन कोई एल सी भी बनता है उसको भी टाइम लगेगा तो पांच साल में ए एलसी से आर एल सी भी बन गए हैं ठीक है और जो दो हजार बारह वाला बैच है वो तो अपनी डिप, अभी डिप्टी बनने वाला बट अब जो एल सी भी बनेगा उसको भी टाइम लगेगा बिकॉज वैक्यूम नहीं है बट अभी बोल रहे हैं शायद कैडर रिव्यू की कुछ बात चल रही है बिकॉज अभी जो अनऑर्गनाइज सेक्टर है जो आपका नया कोर्ट आ रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी गवर्नमेंट लाना चाहती है अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसमें भी कम्प्लायस के लिए मैंडेटरी करना चाहती है तो हो सकता है मतलब कैडर रिव्यू और वैकेंसी बढ़ जाए और सेकेंड पार्ट ये भी है पहले आपका ये जो था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी इसमें ए की पोस्टिंग होती थी ठीक है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अभी गवर्नमेंट ने पीएससी बना दिया है और जो जो ए एल सी वहाँ पोस्टेड थे ए एल उनको ऑप्शन दिया कि आप या तो ऑर्डिनेंस में एब्सॉर्व हो जाओ या अपने ओरिजिनल कैडर में चले जाओ तो ज्यादातर लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वापस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आ रहे हैं तो उससे भी आपका काफी वैकेंसी जो था पहले वो वैकेंसी कम हो गया तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑलरेडी इसको देख रहा है शायद वो कैडर रिव्यू करके हो सकता है वैकेंसी बढ़ा दे बट जब से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बंद हुई है मतलब बंद तो नहीं है बट पीएसयू में कन्वर्ट हुई है तब से और ज्यादा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया है कि आपके प्रमोशन का एक्सपेक्ट थोड़ा कम हो गया बाकी एलईओ को देखो दस से बारह साल मुझे लगता है कि लगेगा अभी

Sir, one more question please. How much in-hand sell, in-hand in do Elio get? Elio, like as you know, I think basic is around 48,000. Okay. So, you may double the, you may double double the basic, which will be your gross. So, I think you will be drawing around 60, 62. I am I, I, not sure, but you will be drawing uh, in between 60 to 65. ओके सर थैंक यू थैंक यू सो मच ओके सुरेंद्र थैंक यू सो मच या ओके सो विकास प्लीज स्पीक अप या विकास कुमार हां जी विकास बोलिए तो जी सर यस प्लीज बोलिए हां Uh, नहीं सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है वो पहले था अच्छा ठीक uh, है ओके डन डन सो आई थिंक लास्ट पर्सन हनु गांधी एंड देन विल वाइंड अप ही ही वांट्स टू डिस्कस समथिंग अगेन हां जी हनु गांधी बोलिए प्लीज <coughs> सर आवाज आ रही है मेरी हां जी आ रही है बोलिए <coughs> सर मैं एक्चुअली ये पर, मेरा क्वेश्चन आई थिंक कवर हो ही गया लगभग तो अगर मेरा डाउट होगा मैं दोबारा पूछूंगा ईमेल कर अच्छा ठीक है ओके सो गाइस थैंक यू सो मच अभी वाइंड अप करते हैं एंड आई थिंक एक ब्रॉड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है अह दैट्स ऑल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइस बाय-बाय टाटा थैंक यू सर नो क्वेश्चन सर हेलो यस प्लीज हम Somebody is there uh, how we will get their interview call let us sir in person or otherwise we have to check in website regularly oh uh, not sure i think um, I, I i i don't know okay sir thank you just be in the group First. just be okay guys there is a whatsapp group which, UPHC which we show, have created sir, mail, sir. I, I need to clarify UPSC send a mail to uh, on your uh, email id which you have registered you will get that mail i think uh, after 15 to like maybe within a month all those who have been shortlisted for the interview

मतलब इसमें अब मतलब क्यों टाइम हमने लगाना क्या क्या करना कट ऑफ कर ही देता है राइट की आपकी बात समझ गया पर, I mean, इतने सारे काम होते हैं हमारे पास तो लेट्स ऑन मोर ऑन दो जहां से कुछ आर आई भी आए ठीक है ठीक है ठीक है ओके हेनु थैंक यू सो मच दोस्त ठीक है बाय बाय